लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो दुश्मनों के रंग उड़ाए जो उलझनों को सुलझाए जो राजा रैंचो राजा रैंचो राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। अब तक आपने देखा मक्खन सिंह अदृश्य राजा की सहायता से बिलियंस भी जीतता है। तेजा अपने हार का बदला लेने के लिए मक्खन सिंह को पंजा लड़ने के लिए कहता है और जीतने पर 2-4 लाख देने का दावा करता है, पर मक्खन सिंह लौरा को पंजा लड़ने के लिए बिठा देता है। लेकिन पंजे के मुकाबले में हार जाने पर तेजा मक्खन सिंह पर पिस्तौल तान देता है जिसे अदृश्य राजा छीन लेता है और तेजा से बोंगो का पता पूछता है। लेकिन उसी वक्त पीछे से बोंगो तेजा पर गोली चलाता है। मरते वक्त तेजा मक्खन सिंह को बोंगो का पता बता देता है। उधर बोंगो अपने आदमी को राजा को मारने की सुपारी देता है। राजा बोंगो तक पहुंचने के लिए कमिश्नर से पुलिस सहायता मांगता है। इससे पहले कि बोंगो का गार्ड राजा को मार सके, राजा उसे वही गोली मार देता है। बोंगो अपने विदेशी दोस्त के साथ VIP मीटिंग में बॉम्ब रखकर वहां बैठे सबको उड़ा देने की योजना बनाता है। अदृश्य राजा रांचो और मदारी के भेज में इंस्पेक्टर बोंगो के किले पर पहुंचते हैं। गेट पर खड़े गार्ड्स को अदृश्य राजा शूट कर देता है और किले के अंदर तीनों प्रवेश करते हैं। उधर बोंगो का विदेशी दोस्त VIP मीटिंग में रखे जाने वाले बॉम्ब की तकनीकी बारीकियों का विवरण देता है बोंगो को और उसे समझाता है कि रिमोट कंट्रोल से बॉम्ब का स्विच ऑन करने पर केवल 5 मिनट के अंदर ही बॉम्ब फट जाएगा और बोंगो 5 मिनट में सिर्फ 20 मीटर तक जा सकता है। अब देखिए आगे। ओवर एंड आउट। बिहारी इधर, वहां कोई है, होशियार आना, मैं देखता हूं। तो शक था ये बब्बन साला पहले से ही चरस पीता है। चलते नहीं बन रहा साले से, देखना कैसे झूमते हुए आ रहा है। कुछ बोलेंगे नौकरी जाएगी। सॉरी यार, आज कुछ ज्यादा ही दारू पी लिया, डोंट माइंड। नो सर। सर मैं तुम लोगों का सर हूँ। सर आप सर है हमारे। अरे अगर मैं तुम्हारा सर हूँ तो अटेंशन प्लीज। यस, बंदूक नीचे गिराएगा, बंदूक नीचे गिरा। अब एक बंदूक उठाकर मुझे देगा। गुड बाय। <Good boy. laughs>
छापा मार दूं। पुलिस आ गई। मैंने समझता हूँ। तुम्हें सॉल्यूशन पे कभी निकल जाओ। मैं तुम्हें सीधा हवाई पट्टी पर मिलता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। अब जाओ। खबरदार, हिलना मत वरना गोली चला दूंगा। नतीजा बुरा ही होता है। मर गए सब संभव। समाचार लगता है सोल्यूशन का ऐसा रास्ता इसका खत्म हो गया। मुझे कमीशन साहब को इन्फॉर्म कर देना। कमीशन साहब आप जल्द से जल्द फोर्स भेज दीजिए अंदर। तुम लोग बाहर जाओ। राजा को देखो, तुम्हारी वहां जरूरत है। और बाप, बाप। इसको तो मैं लेके जाऊंगा। मैंने क्या कहा था बोंगो? एक न एक दिन तेरा खेल जरूर खत्म होगा। तेरे बना हुए सॉल्यूशन को मैं कैसे गायब होता हूँ? अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। चलो प्रोफेसर, वीआईपीस की मीटिंग में मैं तुम्हें भी बम फोड़ने के लिए लेके जाऊंगा। वहां से सीधे हम होनोलुलु चलेंगे किसी और देश में बर्बादी फैलाने के लिए। चलो। हाँ प्रोफेसर कृष्णमूर्ति चलाओ गोली। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इस जगह को चारों तरफ से पुलिस घेर रखा है। अरे राजा साहब, दोनों गायब हो गए। मत करो राजा, चलाओ गोली, खत्म कर दो देशद्रोही को, चलाओ गोली। मेरी परवाह मत करो राजा, चलाओ गोली। कोई हिला तो मैं प्रोफेसर की जान ले लूंगा। हथियार भेज दो, हथियार भेज दो, भेज दो हथियार। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से, कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। कोई हिला तो मैं प्रोफेसर को गोली मार दूंगा। नहीं बंगो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। I will kill you. हा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 ह
घबरामत बिहारी देखते हैं। चलो बिहारी, गिरफ्तार कर लो इसे। राजा से बचेगा तो और ढंगों को कोई नहीं पकड़ सकता। अब इस देश की मान हस्तियों की जान लेकर हम इस देश से बाहर चले जाएंगे। हेलो हेलो, मिनिस्टर साहब आ चुके हैं। अरे ऐसा कैसे कर सकते, अभी तक आए। आइए सर, आप ही का इंतजार हो रहा था। हेलो ब्रिगेडियर। हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू। जेंटलमैन, आज की ये मीटिंग एक बड़े ही गंभीर और अहम मसले पर गौर करने के लिए बुलाई गई है। हमें कहते हुए दुख होता है कि आज हमारा देश बड़े बड़े शहर टेररिज्म यानी आतंकवाद की लपेट में आ चुके हैं। यह आतंकवाद का जहर एक ऐसी जलती हुई आग की तरह है जो हमारे देश को जला रहा है, खत्म कर रहा है। चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, कोई जान कोई जिंदगी उनकी गोली से महफूज नहीं। व्हाट ए हेक्टिक डे मिस्टर सिंह, बस अब आराम है। क्या सब लोग आ गए? सब लोग आ गए। सॉलिड टेंशन है यार, इतने सारे वीआईपीस एक साथ, कमाल है। कौन है? कौन है आप? आपके आसपास है कौन है यहाँ? अरे कोई नहीं। सर, तुम यहाँ आराम करो, मैं वहां जरा गोलाबारी करके आता हूं। कोई ऐसा शहर नहीं जहां आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट ना किए, रेलगाड़ी बसों पुलों को बमों से ना उड़ाया, हजारों जाने खत्म कर दी इन्होंने, कई औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम बना दिया। ये खून की होली खेलना जानते हैं, सिर्फ खून की होली। राजा साहब, मीटिंग चल रही है अंदर। जानता हूं मैं। आप अंदर नहीं जा सकते, लिस्ट में आपका नाम नहीं है। बहस मत करो ऑफिसर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो आ चुका है। कौन? वो जो इन सब लोगों को मारना चाहता है, डॉक्टर बोंगो। सॉरी सर, कुछ भी हो जाए आप अंदर नहीं जा सकते। Try to understand, officer. तुम लोग यहीं के यहीं खड़े रह जाओगे, वो अपना काम करके निकल भी जाएगा। प्लीज सर, हेलो साहब, प्लीज यू कांट गो। देखो ऑफिसर, तुम चाहो तो कमिश्नर साहब से बात कर सकते हो, प्लीज। ओके, कहीं ये प्रोफेसर कृष्णमूर्ति तो नहीं?
सर कृष्णमूर्ति। राजा, राजा उसे रोको। अरे उसे रोको, वो बिल्डिंग के अंदर गया है, उसके पास बम है, उसके पास बम है, उसे रोको। यस प्रोफेसर। आइए आज हम एक साथ एक आवाज होकर कसम खाएं कि इस आतंकवाद का मुकाबला हम अपनी जान देकर करेंगे। इस आतंकवाद को अपनी देश की धरती से मिटा देंगे, इसकी जहरीली जड़ें काट डालेंगे ताकि हमारा देश फिर से मुस्कुरा सके, इत्मीनान की सांस ले सके, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चल सके और दूसरे देशों से आगे बढ़ जाए। हाँ इंस्पेक्टर, अब तो मैं अंदर जा सकता हूँ ना? जी राजा साहब। वेरी गुड, तुम दोनों लोग जरा प्रोफेसर कृष्णमूर्ति की देखभाल करो, जैसे मैं अंदर जाऊं दरवाजा फौरन बंद कर दो। आप सबको जानकर यह खुशी होगी कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने कोष में से 50 लाख रुपए दिया। अब हम सब अपने अपने सुझाव तो जी क्या हो गया आपको सर जी? सर आपका मुंह क्यों बंद है? सबसे पहला सुझाव मेरा है, मेरा डक का बम होगा। और वो ये तुम ठीक 5 मिनट के बाद तुम सबकी कब्रें इस बिल्डिंग के नीचे अपने अपने पिस्टल टेबल पर रख दो, वरना टेबल पर रख दो। लगता है वो हमें बंद करके चला गया। Вот и хопам!